गाइस कैसे हो आप लोग। आज मैं इन चारों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूं और इस वीडियो को शूट करने में आज की रात और कल का पूरा दिन निकल जाएगा। अपने पास है चार 5G स्मार्टफोन, इन्फिनिक्स नोट 30, टेक्नो कैमन 20 प्रो, आईक्यू Z7 एंड पोको X5 प्रो। इन्फिनिक्स को पावर दिया है मीडियाटेक डिमेंसिटी 6080 चिपसेट ने। टेक्नो कैमन 20 प्रो में मिल जाएगा डिमेंसिटी 8050 और आईक्यू में डिमेंसिटी 920। पोको X5 प्रो ओनली स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा 778G। गाइस इन चारों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 बेस्ड ओएस रन कर रहा है। इन्फिनिक्स में XOS 13 के साथ, टेक्नो में हाई ओएस 13 के साथ, आईक्यू में फनटच ओएस 13 के साथ एंड पोको X5 प्रो में मिल जाएगा MIUI 14। टेक्नो एंड पोको में 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, इन्फिनिक्स में 120 हर्ट्ज LCD एंड आईक्यू में 90 हर्ट्ज एमोलेड। बैटरी कैपेसिटी आईक्यू का है 4500 mAh और बाकी तीनों का 5000 mAh। नाउ चार्जिंग की बात करूं तो इन्फिनिक्स सपोर्ट करता है 45 वाट फास्ट चार्जिंग, टेक्नो 33 वाट, आईक्यू 44 वाट और पोको 67 वाट। गाइस बैटरी चारों स्मार्टफोन का फुल है, कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा, मैंने सबको हटा दिया। चारों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, ब्राइटनेस 50% के आसपास है। तो चलो सबसे पहले हम स्टैंड बाई मोड पे चेक करते हैं कितना बैटरी ड्रॉप होता है रात भर में। अभी 11:30 बज रहा है, हम सुबह मिलेंगे 9 बजे के आसपास। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 9:30 बज चुका है, आधा घंटा लेट हो गया है। 10:30 घंटे में हम देखते हैं कितना बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो इन्फिनिक्स में 99% दिख रहा है, यानी 1% बैटरी ओनली ड्रॉप हुआ है। टेक्नो 98 पे दिख रहा है, 2 गया है। आईक्यू 98 पे दिख रहा है, 2 गया है। पोको 97 पे दिख रहा है, 3% बैटरी चला गया रात भर में। नाउ गाइस हम यूट्यूब शॉर्ट्स प्ले करेंगे 1 घंटे के लिए, ब्राइटनेस रहेगा 50% के आसपास, वॉल्यूम भी 50 के आसपास। ओके गाइस, तो 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, कमाल है। 1 घंटे में इन्फिनिक्स में 9% बैटरी ड्रॉप हुआ है, 90% पे दिख रहा है। टेक्नो 88 पे दिख रहा है, यानी 10% बैटरी गया है। आईक्यू 91 पे दिख रहा है, 7% गया है एंड पोको 90 पे दिख रहा है, 7% बैटरी इसका ड्रॉप हुआ है 1 घंटे में। सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है आईक्यू Z7 5G ने 315 mAh एंड सबसे ज़्यादा टेक्नो ने 500 mAh। नाउ गाइस इंस्टा रील्स 1 घंटे के लिए, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम दोनों 50% के आसपास रहेगा। देखते देखते रील्स 2 घंटा हो गया है, 1 घंटा रील्स का कंप्लीट। इन्फिनिक्स में 80% दिख रहा है, यानी 10% बैटरी ड्रॉप है। टेक्नो 78 पे दिख रहा है, 10% बैटरी गया है। आईक्यू 83 पे दिख रहा है, 8% बैटरी गया है और पोको 79 पे दिख रहा है, 11% बैटरी ड्रॉप हुआ है। इस बार भी सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है आईक्यू Z7 5G ने 360 mAh और सबसे ज्यादा पोको ने 550 mAh। अब गाइस हम कैमरा टेस्ट करेंगे, फुल HD 60 FPS पे 1 घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वैसे चारों स्मार्टफोन में आप 4K 30 FPS पे शूटिंग कर सकते हो। फिलहाल जो टेम्परेचर दिख रहा है इन्फिनिक्स का 41 डिग्री के आसपास, टेक्नो 42 डिग्री, आईक्यू भी मोर ऑर लेस सेम 42 डिग्री और पोको 41 डिग्री के आसपास। इन चारों स्मार्टफोन में सबसे कम गर्म हुआ है इन्फिनिक्स और थोड़ा ज्यादा टेक्नो, बहुत ज्यादा नहीं। 1 घंटा फुल HD 60 FPS पे शूटिंग के बाद इन्फिनिक्स में 18% बैटरी ड्रॉप हुआ है, टेक्नो 24%, आईक्यू 19%, पोको 59 पे दिख रहा है, 20% बैटरी ड्रॉप है 1 घंटा रिकॉर्डिंग के बाद। नाउ सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है अगेन आईक्यू Z7 5G ने 850 mAh के आसपास और सबसे ज्यादा टेक्नो ने 1200 mAh। गाइस अब गेमिंग होगा, 2 घंटे हम BGMI खेलेंगे बैलेंस्ड अल्ट्रा सेटिंग्स पे। घंटा BGMI का कंप्लीट, टोटल हो गए 5 घंटे। इन्फिनिक्स 25% पे दिख रहा है, 37% बैटरी ड्रॉप है, टेक्नो 17 पे दिख रहा है, अगेन इसमें भी 37% बैटरी ड्रॉप है, आईक्यू 37 पे दिख रहा है, ओनली 27% बैटरी ड्रॉप है एंड पोको 25 पे दिख रहा है, 34% बैटरी ड्रॉप है 2 घंटे में। अगेन BGMI में भी आईक्यू ने सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है 1215 mAh, टेक्नो और इन्फिनिक्स ने सेम 1850 और पोको ने 1700। अब गाइस हम YouTube पे 1080p वीडियो प्ले करेंगे 2 घंटे के लिए। इन्फिनिक्स में 2K का सपोर्ट आपको मिलेगा, बाकी तीनों में आप 4K वीडियोस देख सकते हो। वॉल्यूम 50% पे रहेगा लेकिन ब्राइटनेस को मैं फुल कर देता हूँ चारों स्मार्टफोन में। टेक्नो कैमन 20 प्रो 6 घंटे 50 मिनट में डेड, इनका 17% 1 घंटा 50 मिनट चला वीडियो। 2 घंटा यूट्यूब का कंप्लीट, टोटल हो गए 7 घंटे। इन्फिनिक्स 3% पे आ गया, यानी 22% बैटरी ड्रॉप हुआ है,
आईक्यू 21 पे दिख रहा है 16% बैटरी गया है एंड पोको 6 पे दिख रहा है 19% बैटरी गया है। अगेन यूट्यूब में भी सबसे कम बैटरी ड्रॉप किया है आईक्यू ने 720 mAh और सबसे ज्यादा इन्फिनिक्स ने 1100 mAh। अब हम टास्क को रिपीट करेंगे फिर से एक घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स हम प्ले करेंगे तीनों स्मार्टफोन में। इन्फिनिक्स नोट 30 7 घंटे 9 मिनट में डेड एंड का 3% ओनली 9 मिनट चला यूट्यूब शॉर्ट्स ओनली 9 मिनट। पोको X5 Pro भी 7 घंटे 46 मिनट में डेड एंड का 6% 46 मिनट चला यूट्यूब शॉर्ट्स काफी ज्यादा चला एंड का 6%। आईक्यू सीजन 5G ने 8 घंटा कंप्लीट कर लिया 13% पे दिख रहा है 8% बैटरी ड्रॉप हुआ है इस घंटे में। अब हम फिर से एक घंटे के लिए 1080p 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे देखते हैं कितनी देर चलता है आईक्यू सीजन 5G। गाइस फाइनली 8 घंटे 33 मिनट में आईक्यू सीजन 5G डेड एंड का 13% ओनली 33 मिनट चला फुल HD 60fps रिकॉर्डिंग। ओके गाइस अब होगा इन चारों स्मार्टफोन का फुल चार्जिंग टेस्ट। चारों स्मार्टफोन का बैटरी हमने ऑलरेडी खाली कर दिया। चारों स्मार्टफोन की बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करूं तो चारों मोर और लेस सेम ही दिख रहा है 32-33 डिग्री के आसपास। चलो अब चार्जिंग करके देखते हैं चारों स्मार्टफोन कितना गर्म होता है और कितनी देर में फुल चार्ज होता है। ऐसे वीडियोस को शूट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है एफर्ट लगता है एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चार्जिंग स्टार्ट करने पे कोई भी स्मार्टफोन खुद से ऑन नहीं होता आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद मैं चारों स्मार्टफोन का वाईफाई जो भी नेटवर्क है उसे ऑफ कर दूंगा सारे ऐप्स को बैकग्राउंड हटा दूंगा और ब्राइटनेस को 50% के आसपास कर दूंगा। चारों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर 32-33 डिग्री के आसपास था एंड अभी इन्फिनिक्स थोड़ा गर्म हो गया 36 के आसपास दिख रहा है। टेक्नो 37-38 के आसपास थोड़ा ज्यादा आईक्यू भी 37 डिग्री के आसपास और पोको 8 डिग्री के आसपास। कुछ 10 मिनट में इन्फिनिक्स 15% चार्ज हुआ है टेक्नो 12 आईक्यू 13 और पोको 17। 15 मिनट हो गया 15 मिनट से हम चार्ज कर रहे हैं इन्फिनिक्स 24% चार्ज हुआ है टेक्नो 18% आईक्यू 22% और पोको 29%। पोको X5 Pro 50% चार्ज हो चुका है 26 मिनट कुछ 15 सेकंड्स में। आधा घंटा चार्ज करने के बाद इन्फिनिक्स 47% चार्ज हुआ है टेक्नो 36 46 आईक्यू और 56 पोको। पोको X5 Pro 80% चार्ज हो गया कुछ 43 मिनट 40 सेकंड्स के आसपास में। गाइस इन्फिनिक्स फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कर रहा है एंड इसका बॉडी टेम्परेचर भी सबसे कम दिख रहा है अभी भी 45 मिनट के बाद भी 36 डिग्री के आसपास दिखा टेक्नो 38 डिग्री आईक्यू 39 डिग्री एंड पोको भी 39 डिग्री मोर और लेस। इन्फिनिक्स और आईक्यू दोनों बराबर चल रहा है 45 मिनट के बाद दोनों स्मार्टफोन 70% चार्ज हो गया पोको 84% और 54 टेक्नो। पोको ने 90% चार्ज कंप्लीट करने में 50 मिनट के आसपास ले लिया है इन्फिनिक्स और आईक्यू अभी 76% चार्ज हुआ है और टेक्नो 59। इस एक घंटा हो गया 99% चार्ज हो गया पोको X5 Pro। फाइनली एक घंटा 3 मिनट 45 सेकंड्स लिया पोको X5 Pro ने फुल चार्ज होने में। फोन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री के आसपास दिखा एंड चार्जर भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है 40 डिग्री मैक्सिमम इसका टेम्परेचर दिखा। एक घंटा 8 मिनट ले लिया इन्फिनिक्स ने फुल चार्ज होने में। फोन का बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम दिखा सबसे कम दिखा 36 डिग्री के आसपास लेकिन चार्जर थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ है 42 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा इसका चार्जर का। गाइस इन्फिनिक्स से आईक्यू सीजन 5G ने 4 मिनट एक्स्ट्रा लिया एक घंटा 12 मिनट में फुल चार्ज हो गया। आईक्यू का बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिखा था अगर इन्फिनिक्स से कंपेयर करूँ 39 डिग्री के आसपास एंड चार्जर का टेम्परेचर 41 डिग्री के आसपास दिख रहा है। इस नाउ टेक्नो कैमन 20 प्रो की बात करूं तो एक घंटा 19 मिनट में 90% चार्ज हुआ है। फाइनली एक घंटा 40 मिनट में टेक्नो कैमन 20 प्रो फुल चार्ज हो गया। फोन का बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम 38 डिग्री के आसपास दिखा था और चार्जर का टेम्परेचर 39 डिग्री मैक्सिमम। 16,000 का इन्फिनिक्स नोट 30 टेक्नो कैमन 20 प्रो से आराम से 20 मिनट स्क्रीन ऑन टाइम एक्स्ट्रा दे सकता है और चार्जिंग में भी आपका 30-35 मिनट बचा सकता है। टेक्नो कैमन 20 प्रो एक अच्छा स्मार्टफोन है बट आराम से आपको पोको X5 Pro और आईक्यू सीजन 5G जैसे स्मार्टफोन में एक घंटा 1.5 घंटा स्क्रीन ऑन टाइम
एक्स्ट्रा मिल सकता है। इससे चार्जिंग में भी आप आराम से 30-35 मिनट बचा सकते हो। पोको एक्स फाइव प्रो एक अच्छा स्मार्टफोन है, बट इसको लेकर मन में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। बट हाँ, इतना जरूर बोलूंगा कि कई महीने से ये फोन यूज करो, अभी तक कोई इशू नहीं दिखा। एंड गाइस, आईक्यू जी सेंट 5G को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इसके बारे में भी बात करके फायदा नहीं है। जब वापस से ये सेल पे आ जाएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए iPhone Unboxed।